दोस्तों हमारी दुनिया के समंदर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो समंदर एटलांटिक और पैसिफिक ओशन एक जगह मिलते हैं लेकिन उनका पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता बल्कि अलग-अलग रहता है ऐसा लगता है जैसे इन दोनों समंदरों के दरमियान एक ना नजर आने वाली लकीर मौजूद है दरअसल उनके दरमियान एक ना नजर आने वाली लकीर है और यही कुदरत का एक अनमोल नमूना है टॉप टीवी की वीडियो में खुश आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों नक्शे में देखने पर ये पता चलता है कि सारा समंदर एक ही है बस हम इंसानों ने उसे अलहदा नाम दे दिए हैं जैसे की अटलांटिक पैसिफिक वगैरह लेकिन समंदर में जगहों पर हकीकत में भी बॉर्डर मौजूद है जो मुख्तलिफ़ समरों को अलहदा करते हैं इनकी सबसे बड़ी मिसाल अटलांटिक और पैसिफिक समंदरों के दरम्यान मौजूद दीवार है जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है ये दोनों समंदर साउथ अमेरिका में मौजूद एक जगह कैप हॉर्न पर आपस में मिलते हैं उनको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के दरमियान एक ना नजर आने वाली दीवार मौजूद हो इन दोनों समुद्रों का रंग भी मुख्तलिफ होता है और उनका पानी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाता आइए आज इसकी वजुहत जानते हैं दोस्तों इन दोनों समुद्रों में पानी ही होता है लेकिन ये पानी अपनी खसूसियात की वजह से मुख्तलिफ है उन दोनों के पानी की डेंसिटी मुख्तलिफ है इनमें नमक की मकदार मुख्तलिफ है यहां तक के इनमें पोलरिटी भी मुख्तलिफ है और यही है उनके दरमियान ना नजर आने वाली दीवार यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते इन दोनों के दरमियान मौजूद नमक के डिफरेंस को हेलोक्लाइंस कहा जाता है अगर एक पानी में नमक की मेदार कम हो और दूसरे में उससे पाँच गुना ज्यादा नमक हो तो हेलोक्लाइंस बनती है लिहाजा ये दोनों पानी आपस में मिक्स नहीं हो पाते दोस्तों आप अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं एक गिलास में तेज नमक वाला या समुद्री पानी और दूसरे गिलास में कम नमक वाला पानी लेकर आप भी पानी के दरमियान दीवार खड़ी कर सकते हैं लेकिन फर्क ये है कि गिलास में पानी ऊपर नीचे रहेगा और मिक्स नहीं होगा जबकि समंदर में ऐसा नहीं है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन दो इमारतों की तरह खड़े हैं जबकि उनकी डेंसिटी मुख्तलिफ है तो ज्यादा डेंसिटी वाले पानी को नीचे होना चाहिए और कम डेंसिटी वाले पानी को ऊपर आ जाना चाहिए लेकिन ये दोनों ऊपर नीचे नहीं होते बल्कि आमने सामने ही रहते हैं इसकी भी एक वजह है दोस्तों एक वजह तो ये है इन कि इनमें से किसी की भी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है है कि ये दोनों आपस में मिक्स हो पाए लेकिन एक और वजह भी है जिसे इनर्शिया की एक और किस्म कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है ये इनर्शिया की वो किस्म है जो किसी बॉडी के एक्सिस में घूमते वक्त मौजूद होती है मिसाल के तौर पर जमीन घूम रही है तो जमीन में मौजूद जितना भी मैटर है जितनी भी चीजें है इस सब के सब जमीन के साथ घूम रही है जिसकी वजह से उनके अंदर एक और फोर्स डेवलप हो जाती है लिहाजा तमाम ऑब्जेक्ट हकीकत में जमीन की डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं लेकिन उन सब की मूवमेंट की डायरेक्शन सीधी नहीं होती बल्कि जमीन के घूमने के साथ साथ गोल दायरे में होती है नतीजे के तौर पर जमीन के शुमार में मौजूद चीजें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है जबकि जुनूब में मौजूद तमाम चीजों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है लेकिन दोस्तों चूंकि जमीन अपने एक्सिस के गिर्द बहुत आहिस्ता घूमती है और उसे पूरा दिन लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में लिहाजा डायरेक्शन का ये फर्क छोटी चीजों में नजर नहीं आता बल्कि समंदर के बाद इलाकों में नजर आता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में आपस में इसलिए मिक्स नहीं होते क्योंकि एक साउथ में है और दूसरा नॉर्थ में लिहाजा इनकी डायरेक्शन भी मुख्तलिफ रहती है और यही वजह है कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आते बल्कि साथ साथ रहते हैं और मिक्स भी नहीं होते इसकी एक और वजह भी है जिसे सरफेस टेंशन स्ट्रेंथ कहा जाता है क्योंकि दोनों समुद्रों की ये फोर्स मुख्तलिफ है लिहाजा उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा कर दूर हो जाते हैं और शायद ये दोनों समंदर एक दूसरे में कुछ वक्त बाद मिक्स हो जाते लेकिन उनके इनर्शिया की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे होते रहते हैं। हमें बजहिर देखने में एक ही पानी नजर आता है लेकिन इसके अंदर मौजूद मुख्तफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ वक्तों में आकर टकराते हैं और अलहेदा होकर दूर हो जाते हैं लिहाजा इस वजह से भी ये दोनों समंदर एक दूसरे ऐसी मिल नहीं पाते लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे है की सिर्फ और सिर्फ अटलान्टिक और पैसिफिक ओशन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते तो आप गलत है क्यूँकी दुनिया में और भी ऐसी जगह है जहां पर पानी मिक्स नहीं होता दोस्तों समुद्रों में थर्मोक्लाइंस भी होते हैं जो टेम्परेचर के फर्क की वजह से बनते हैं जैसे कि गल्फ स्ट्रेन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पानी है पानी भी अलग अलग टेम्परेचर की वजह से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाता इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं केमोलाइंस केमोलाइंस के अंदर बहुत से माइक्रो केमोलाइंस होते हैं ये भी टेम्परेचर के फर्क की वजह से बनते हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल सारगासो सी है जो अटलांटिक ओशन के दरमियान में मौजूद एक छोटा टुकड़ा है दोस्तों इसी तरह बाल्टिक सी और नॉर्थ सी ये दोनों स्कैगन शहर के करीब आपस में मिलते हैं लेकिन मुख्तलिफ डेंसिटी की वजह से उनका पानी आपस में टकरा कर आलेदा हो जाता है इसी तरह बहेरे रूम और अटलांटिक ओशन जब लुटारिक के पास एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते उनके मिक्स न होने की वजह सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है तीसरी मिसाल कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन की है ये दोनों बहामास के पास आपस में मिलते हैं इनमें से एक का रंग गहरा है जबकि दूसरे का हल्का और ये वाजे तौर पर नजर आता है दोस्तों चौथी मिसाल सेरिनान रिवर और अटलांटिक ओशन की है ये दोनों साउथ अमेरिका में पैरा मेरीबो के पास मिलते हैं लेकिन ये दोनों भी साथ होने के बावजूद एक दूसरे से अलहेदा रहते हैं पांचवी मिसाल योरागोए रिवर और एफ्लॉक्स की है ये दोनों अर्जेंटीना में एक जगह पर मिलते हैं इनमें से एक का रंग साफ होता है और उसे एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है जबकि दूसरा बारिश के दिनों में बिल्कुल सुर्ख हो जाता है ये दोनों भी आपस में नहीं मिलते दोस्तों छठी मिसाल एमिजोन दरिया के अंदर इसी के दो हिस्से की है इनमें से एक का नाम रियो नेग्रो और दूसरे का नाम सेलमोइस रिवर है ये दोनों भी ब्राजील के शहर मनाउस के पास एक डेढ़ मील के लिए एक दूसरे से अलहदा रहते हैं इनमें से एक का रंग हल्का जबकि दूसरे का गहरा है इनका टेम्परेचर और बहने की रफ्तार भी मुख्तलिफ है लिहाजा ये आपस में मिक्स नहीं होते एक और मिसाल मोजल और राइन दरिया की है ये दोनों जर्मनी के शहर कोबलैक्स के करीब टकराते हैं ये दोनों भी आपस में नहीं मिलते और वजह वही है उन दोनों की अलग अलग डेंसिटी जिसकी वजह से उनका रंग भी मुख्तलिफ है और ये आपस में मिलते भी नहीं है बल्कि साथ साथ बहते रहते हैं दोस्तों जर्मनी में ही एक और जगह पर तीन दरिया एक साथ मिलते हैं ये दरअसल इन तीनों का जंक्शन प्वाइंट जहाँ ये मिलने के बाद भी अलहेदा रहते हैं इनमें से एक का नाम एल्स दूसरे का डेन्यूब और तीसरे का नाम इन है इनमें ऐसी इल्स एक छोटा दरिया है जो डेन्यूब के पास आकर निकलता है और इन भी उसी जगह आरोप डेन्यूब ऐसी मिलता है लेकिन इस जंक्शन प्वाइंट आरोप ये तीनों नहीं है बल्कि अलहेदा अलेदा रहते हैं और वजह वही है उनकी डेंसिटी और साल कंसेंट्रेशन उन्हें एक दूसरे से जुदा रखती है ये थी दोस्तों आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए